हमीरपुर में आयोजित 73वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकाशवाणी हमीरपुर के वरिष्ठ नैमित्तिक उद्घोषक संजय शर्मा को उनकी सेवाओं, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। संजय शर्मा ने इस सम्मान राशि में अपना अंशदान डालकर उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। हमीरपुर में आयोजित 73वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आकाशवाणी हमीरपुर के वरिष्ठ नैमित्तिक उद्घोषक संजय शर्मा को उनकी सेवाओं, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। संजय शर्मा ने इस सम्मान राशि में अपना अंशदान डाल उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया। संजय शर्मा ऐसा कर अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय शर्मा पिछले 2 दशकों से बतौर उद्घोषक सेवाएं दे रहे हैं। 11 वर्ष पहले पहाड़ी बोली के कार्यक्रम गल तुसंदी के जनक भी हैं। उन्होंने पहली बार यहां से शुरू हुए पहाड़ी बोली के कार्यक्रम में अपनी आवाज दी लाइव फोन। इन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को उभारने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से सतत प्रयास जारी रखे और यह कार्यक्रम जनप्रिय बन गया। इसके अलावा कई रेडियो नाटकों और हास्य नाटकों और लाइव रोड शो कार्यक्रमों में अहम भूमिका अभिनीत कर एक नया आयाम कायम किया। अपनी सामाजिक सेवाओं और दायित्वों को निभाने में भी आगे रहे। इन्हीं दायित्वों को देखते हुए उनका नाम सम्मान के लिए प्रस्तावित किया गया। उन्होंने इनाम में मिली पुरस्कार राशि को उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के रूप में प्रदान किया। संजय शर्मा का कहना है कि लगन और कर्तव्य निष्ठा के बल पर इंसान आगे बढ़ता है। विश्वनीयता ही परख की बड़ी कसौटी है, इसलिए प्रयास रहता है कि अपनी सेवा के दौरान लोगों को और समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर अनेक विषयों को चर्चा में लाते रहें, ताकि आकाशवाणी के माध्यम से मिले इस पद का सही तौर पर उपयोग हो और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके। उन्होंने आकाशवाणी के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों का आभार जताया है, जिनके कारण इस सफर में इस मुकाम को हासिल करने का अवसर मिला है। मैं संजय शर्मा, ऑल इंडिया रेडियो हमीरपुर में बतौर वरिष्ठ कैजुअल उद्घोषक पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे मेरी ईमानदार प्रयासों और कर्तव्य निष्ठा के लिए जो है वो इसका अनुमोदन किया गया और ज़िला प्रशासन द्वारा मुझे यह सम्मान दिया गया बतौर राशि, और मैंने इस राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ अपना भी अंश दान डालकर इसे राहत कोष तक पहुंचाने का मैंने डीसी के माध्यम से प्रयास किया है। और मुझे खुशी है, मेरा उद्देश्य है कि ये राशि उन लोगों तक पहुंचे जिनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ताकि मैं समझूं कि मेरा सम्मान ये सार्थक हो सके।